तो आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करें। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि मेरा ये क्लास शुरू हुआ है क्लास टेंथ के लिए, जो बिहार बोर्ड के 2024 की परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक के, तो उनके लिए मैंने कल बताया था और कल से ही मैंने एक दिन पहले ये बैच शुरू किया था। और उसमें मैंने ये कहा था कि जितने भी विषय हैं क्लास टेंथ के जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे 2024 के एग्ज़ाम में, तो उन विषयों को हम यहाँ पर पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि पहले मैंने वहाँ पर कल जैसे मेरा पहला क्लास था तो उसमें मैंने बेसिक थोड़ा मैथ का वहाँ पर चर्चा किया था, और उसके बाद ये पहला जो अदर सब्जेक्ट का पहला क्लास होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें से एक इसका भी पार्ट होता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, तो उसको आज हम लोग यहाँ पहला चैप्टर यहाँ हम लोग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, बस इसको हमें समझाना है, और इसके अलावा जो भी चीज़ है उसको मैं यहाँ फिर से लिखूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ लिख लेना होगा जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो उनसे ये मेरा मतलब कि हम आप लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि ये जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है बोर्ड पर, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँ उसको आप लोग खूब बढ़िया से एक फ्रेश कॉपी में उसको नोट्स बनाते रहेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है ना, जो कि ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स यानी अर्थ व्यवस्था अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अब अर्थशास्त्र में होता क्या है, एक इस अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम मानव जो इस धरती के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर जो अपना जीवन यापन करते हैं, मानव जीवन के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जैसे भोजन करना, ठीक है ना, स्वस्थ रहने के लिए वैसी पर्यावरणीय दशा का उपलब्ध होना, शिक्षा का हमें आवश्यकता पड़ती है, हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए और जीवन जीने के लिए हमें बहुत सी सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से मानव अपने इस जीवन यापन को चलाने के लिए वो कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ वो करता है जिससे उसका जीवन यापन क्या होता है बेहतर से बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें पहला जो यहाँ तो सब लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाएँ, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएँ क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज यहाँ लिखा हुआ है कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना, जिससे उन्हें क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, और ठीक है ना, यानी कि जो लोग हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए, हम सब जानते हैं कि हमें आय की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको हम उससे पूरा कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, कुछ कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है ना, और उसके बदले हमें आय प्राप्त होता है। तो उन सारी ही जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिनसे आय प्राप्त होती है इन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। अब जैसे आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या यहाँ हो जाएगा, जैसे कि खेती करना, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है, और बिहार भी अगर देखें तो बिहार पूरे राज्य में सबसे अधिक कृषि पर निर्भरता बिहार की है, ठीक है ना। तो बिहार राज्य भी एक बहुत बड़े कृषि के ऊपर निर्भर राज्य है, ठीक है ना, तो खेती करना। दूसरा चीज अगर देखें तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये होती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ठीक है ना, हम आगे इसको करेंगे और भी इसके बारे में समझेंगे, तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना इत्यादि, ठीक है ना, तो ये आर्थिक क्रियाएं के अंदर शामिल हो जाती है। इसके बाद जो यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चीजें देखो, पहली चीज तो हमने ये समझ लिया कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं तो वो चीज है जिससे हमें आय जनरेट होता है, वो हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने आप को अपने जीवन यापन को सही तरीके से सही सुचारू ढंग से उसको चला सकें। अब जिस सिस्टम के अंतर्गत रह करके, ठीक है ना, जिससे ढांचे के अंतर्गत रह करके ये सारी क्रियाएं हम करते हैं,
उस ढांचा का नाम है क्या? अर्थव्यवस्था। यानी कि एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत रह करके मानव अपनी सारी आर्थिक क्रियाएं करता है, उसको ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा ढांचा, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि, ठीक है ना, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। तो ये सारी क्रियाएं हैं जो कि एक तंत्र के अंतर्गत होगा, एक ढांचे के अंतर्गत होगा, उस ढांचे का ही नाम है अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो चीजें होती है, ठीक है ना, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। उसमें पहला ये होता है कि जो मनुष्य, जो मानव जो क्रिया करता है, उसे दो प्रकार का फायदा होता है। एक तो उस एक फायदा ये है कि उस कार्य से, जो वो एक्टिविटी कर रहा है, उस प्रक्रिया से वो खुद का अपना तो जो आवश्यकता है वो तो पूरा करता ही करता है। यानी कि वस्तु और सेवा का उत्पादन तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। हमारा आर्थिक क्रिया करने का एक ही पर्पस है कि हम क्या करें, हमारे जीवन यापन के लिए, ठीक है ना, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका हम क्या कर लें, उत्पादन कर लें। लेकिन इसके साथ साथ हम एक दूसरी प्रक्रिया भी कर लेते हैं और उससे दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंच जाता है। वो ये है कि जैसे अगर हम कोई आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम कृषि करते हैं, तो उस कृषि से पहला हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने लिए, हम अपने जीवन यापन के लिए अन्य खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें, अगर हमारे पास खेत है और हम अपने जीवन यापन के लिए हम क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं, अनाज उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी समय एक दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसी खेत में, चूँकि हमसे इतने बड़े लेवल पर वो सारी चीज़ें हमसे खुद नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, मजदूर को रख लेते हैं या किसी चीज़ का इस्तेमाल वहाँ कर लेते हैं। जैसे मान लो मजदूर करते हैं, तो वो मजदूर क्या होता है, वो व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। तो उस मेरे इस प्रक्रिया, इस एक्टिविटी से एक दूसरे को भी क्या हुआ, उसमें रोजगार मिल गया, ठीक है ना। दूसरा चीज़, अगर इसको दूसरा रोजगार कैसे प्राप्त होता है, तो अगर हम उस खेती के अंतर्गत कोई उपकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, कोई मशीन का पंपिंग सेट जो होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अब हम सब जानते हैं कि पंपिंग सेट या ये जो ट्रैक्टर वगैरह होता है, ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री के अंतर्गत बनता है, ठीक है ना। तो जब हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम मार्केट में हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खेती करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करने वाले, पंपिंग सेट का प्रयोग करने वाले ऐसे अनेकों लोग हैं, तो आप जरा सोचो, जब ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो इनका प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है फैक्ट्री के अंतर्गत, तो वहाँ पर ये क्या होंगी, इनकी डिमांड बढ़ जाएंगी, और डिमांड जैसे बढ़ेंगी तो फिर फैक्ट्री के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का वहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से फिर क्या होगा, अब वहाँ पर उत्पादन जितने लोग कर रहे हैं, वहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ भी उन्हें मजदूरी मिल रही है, तो अब फैक्ट्री का जो सिस्टम है, वहाँ पर उत्पादन के जो वस्तुओं के जो डिमांड को देखते हुए, वहाँ पर क्या होगा, उत्पादन बड़े पैमाने पर होना शुरू हो जाएगा, और उस स्थिति में वहाँ पर अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, वो कंपनी वाला फिर दूसरे और मजदूरों को वापस वहाँ पर अपने कंपनी में रखना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से अधिक रोजगार एक चेन बनते चला जाता है, ठीक है। एक आदमी अगर कोई करता है तो उससे इतना बड़ा दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे दो फायदा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख दो कार्य कौन से हैं, तो उसमें पहला काम तो ये होता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन तो होता ही होता है, जो कि हमारी अपनी वो क्या होती है, आवश्यकताओं को पूरी कर देती है, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को रोजगार भी प्रदान कर देती है। यहाँ क्या लिखा है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये दो चीज़ें हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, जो एक्टिविटीज होती हैं, अर्थव्यवस्था होता है वो दो तरीके के चीज़ों को पूरा करता है। पहला, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर लेता है, और दूसरा, लोगों को उनके क्या करता है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
चलिए तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब अर्थव्यवस्था के परिभाषा को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है, उसमें से एक परिभाषा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन परिभाषा तो ये अगर एग्जाम में आता है तो यही लिख देंगे, ठीक है ना, तो काफी पर्याप्त है। लेकिन अगर ये वाला अगर देखें, इसमें ब्राउन है, कभी कभी ये नाम देकर पूछ सकता है कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा है, तो उनका जो परिभाषा है ये काफी यही बात लिखा हुआ है, लेकिन ये तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसमें सारी बातें समाहित हैं। तो ये क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। वही फिर बात आ गई आजीविका, यानी कि हमारे जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कोई एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो उन्हीं सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, ठीक है ना। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब अगला आता है कि अगला प्रश्न यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उनका उत्पादन कितने कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो वस्तु है या सेवा है कोई भी चीज़ अगर उसका हम उत्पादन करते हैं तो वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, उन्हीं सारी क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कहते हैं। अब ये मेनली कितने होते हैं, यहाँ फिर लिखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इसको मुख्यतः यानी कि ये तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। आइए अब उसको हम यहाँ देखते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, ठीक है ना, इसे तीन क्षेत्र में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, प्राइमरी सेक्टर। इसे किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये होता है, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कहें तो इसमें पशुपालन, ठीक है ना, पशुपालन, उसी के बाद यहाँ कोई भी ले लो, पशुपालन के अलावा मछली पालन भी हो जाएगा इसमें, मछली पालन, और जो कृषि हम खेती करते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर, किसी भी प्रकार का अन्न का उत्पादन करते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कि कृषि क्षेत्र को ही हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है ना, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, ये किसे कहते हैं, तो उत्पादन के क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे अच्छा इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्पादन उद्योगों में होता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्पादन वस्तु एवं सेवा, वस्तुओं का उत्पादन, तो उसमें क्या हो जाएगा, उद्योग, ठीक है ना,
उद्योग इत्यादि इसमें अंदर, यानी वस्तुओं का उत्पादन जहाँ होगा वो है उत्पादन क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के नाम से उसको जानते हैं। और तीसरा तीसरा है इसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना, तृतीयक तृतीयक क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्शियरी टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहां इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो सड़क, स्कूल, ठीक है ना, बैंक, बीमा, परिवहन, ठीक है ना, इस तरीके के इत्यादि यहाँ हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जिनसे हमें सेवा क्या होता है, सेवा प्राप्त होता है, उसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ रहेंगे प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र हो गया उत्पादन, जहाँ पर वस्तुओं का उद्योगों में उत्पादन होता है वो द्वितीयक क्षेत्र है, विनिर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ सेवा क्षेत्र के अंदर इस तरीके से होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, चूँकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में अभी फिलहाल मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम वीडियो को उतने लंबा नहीं रख रहे हैं, ड्यूरेशन को काफ़ी कम रख रहे हैं, 20 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रह रहा है, तो उसमें इस तरीके से चीज़ें आएंगी। लेकिन हाँ, रेगुलर बेसिस पर रहेंगी, यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी वो एक भी नहीं छूटेगा, एक तरफ से हम लेके चलेंगे उसको। आज का ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अगर बात करें अर्थव्यवस्था की संरचना तक हमने आज कर लिया है, इसके बाद फिर हम आगे करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद फिर हम देखेंगे जो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेना है, और इसको खूब बढ़िया से नोट्स बना करके और उसको याद कर लेना है, ठीक है ना।